हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मस्ती विद तनिक। तो आज हम पढ़ेंगे धातु रूप के बारे में कि धातु रूप क्या होते हैं, उसमें कितने लकार होते हैं और एक सिंपल इजी ट्रिक सभी धातु रूप को याद करने के लिए। तो अगर आपको भी संस्कृत पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं लकार कितने प्रकार के होते हैं। धातु रूप को पढ़ने के लिए लकार जरूरी है। तो लकार जो है 10 प्रकार के होते हैं, पर अभी हम 5 ही पढ़ने वाले हैं। लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लंग लकार। तो चलिए सबसे पहले लट लकार के बारे में जानते हैं। लट लकार क्या होता है? लट लकार होता है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद लट लकार का हम ट्रिक बताते हैं। लट लकार का ट्रिक है सी त अंति, सी थ थ, आमी आव आम। इसमें आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि सी जो है उसमें छोटी की मात्रा लगी है, सी में भी छोटी में है और आमी में यहाँ आ तो है साथ में छोटी की मात्रा भी लगी है। तो इन तीनों में छोटी की मात्रा है और इन तीनों में विसर्ग है यानी लास्ट में अह ये भी है और इन तीनों में कुछ भी सेम नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको एज जिस पैटर्न में भी याद कर सकते हैं। तो तीता अंति सीता तो आमी आवाम, ये तो सिर्फ ट्रिक थी। अब इसके ऊपर हम बिठाते हैं धातु। धातु हमने लिया है पट। तो पट धातु के साथ हम इसको यहाँ बिठा रहे हैं। तो ये होगा पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। तो यहाँ पर जो आ था ये ठ के साथ मिलकर ठा बन गया है तीनों जगह। बस इतना सा चेंज है क्योंकि जब संधि होती है तब भी आपने पढ़ा है कि कोई भी स्वर में आ की मात्रा लगने पर वो सॉरी व्यंजन में आ की मात्रा लगने पर वो आ उसके आगे लग जाता है। तो पठाम। इसी प्रकार अब हम जानते हैं लेट लकार के बारे में। तो लेट लकार होता है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। लेट लकार का फॉर्मूला भी सेम टू सेम है, बस इसमें इश्य लग जाता है, बाकी इसमें ती सी मी त थ व अंति थ म सॉरी ती त अंति सी त थ आमी आव आम। इसमें बस इश्य लग जाता है और इसमें इश्य में यहाँ पर आ या बन जाता है इश्यामी। अब चलिए इसमें हम अपना पट धातु बिठाते हैं। तो ये हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामी, पठिष्याव, पठिष्याम। इसमें जो इश्यत जो था, इश्यति जो है वो इसमें ई के साथ थ लगकर ठी बन जाता है और फिर निर्माण होता है शब्द का पठिष्यति। बस इतना ही है इसमें चेंज, बाकी तो ये बिल्कुल लट लकार जैसा सेम टू सेम है। अब जानते हैं लंग लकार के बारे में। लंग लकार होता है अतीत काल यानी कि पास्ट में, इसको भूतकाल भी बोलते हैं। तो लंग लकार का फॉर्मूला है, जो भी आपका धातु है धातु से पहले अ आएगा और धातु के बाद ये फॉर्मूला है त ताम न अह तम त म आव आम। तो ये फॉर्मूला है, बाकी अब चलिए हम इसमें धातु बिठाकर देखते हैं। अभी देख के अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यहाँ देखिए इसमें सभी में अ लगा है। तो अगर आपको पूछा जाए यह जो है, यह जो शब्द है ये कौन से लकार में है, अगर उसके पहले अ लगा है तो आप उसको लिख सकते हैं कि ये लंग लकार में है और इश्य लगा है तो वो लेट लकार में है और जो फॉर्मूला मैंने बताया वो जिस पर फिट आए वो लट लकार में है। तो तीन लकार तो यहीं पर हो गए इसके साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे विधि लंग लकार के बारे में जानते हैं। विधि लंग लकार होता है विधि या संभावना, चाहिए भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल मूड या पोटेंशियल टेंस। तो चलिए इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसके फॉर्मूले में है कुछ खास नहीं, एत एताम एयु एह एतम एत
एम। इसमें सभी में जो है धातु के बाद ए का प्रयोग होगा, उसके बाद तव, ताम, युह, ए, इसमें अह ही है सिर्फ, तम, त, यम, व, म, तो एत, एताम, एयुह, एत, एय, हरि, इसमें ए लगेगा, उसके बाद अह की मात्रा लग जाएगी, फिर एतम, एत, एयम, एव, एम। तो बस विधि लंगलकार में इतना। चले अब इसमें अपना धातु बिठाकर देखते हैं। धातु हमारा पट, तो पट से इसमें हमने बनाया पठेत, क्योंकि ए थ में जोड़ दिया गया तो पठे बन जाता है, तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसमें अगर आप विधि लिंगलकार पूछा जाए कि ये शब्द कौन से लकार से, तो जिसमें ए की मात्रा है, कि ए की मात्रा सिर्फ विधि लिंगलकार में ही होती है, इसी के फॉर्मूले में प्रयोग होती है, इसलिए जिसमें ए की मात्रा है वो विधि लिंगलकार के अंतर्गत आता है। चलिए अब हमारा आखिरी लोट लकार पढ़ते हैं। लोट लकार क्या होता है? आदेश, अनुज्ञा, यानी इम्परेटिव टेंस या इम्परेटिव मूड। तो लोट लकार का फॉर्मूला थोड़ा इजी है। तू, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम। तो तू, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम। चलिए अब अभी अब हम इसमें अपना धातु बिठाते हैं जो है पट। तो यहाँ पठतु, पठितम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा। तो सिर्फ लोट लकार और लट लकार, लोट लकार और लट लकार के फॉर्मूले आपको याद हो गए। बाकी के फॉर्मूले ज्यादा हार्ड नहीं है, वो आपको जल्द ही याद हो जाएंगे। सिर्फ ये दो आपको याद करने हैं। और लेट लकार में तो पूरा सेम टू सेम ही होता है। तो हम चलिए अब इसको प्रोनाउंस करते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठितम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा।